अब इस कपड़ा को काट के हटा लेंगे दोनों पीस में से, और हल्का हल्का सा काट के जो गला पलटते हैं, पलट के फिर एक सिलाई चला लेंगे। उसके बाद फिर कंधा जोड़ेंगे। इतना सा काम कर लेते हैं गाइस, क्योंकि पूरा बनाने में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। अब दोनों के गला पे सिलाई चला लेंगे। गला में सिलाई चला लिए हैं, और अब इसको इस कपड़ा को दोनों कपड़ा को जोड़ने के बाद ये जो भी ये वाला कपड़ा ज्यादा है सबको काट के बराबर कर लेंगे दोनों पीस का। ये सब जो है सबको काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर कंधा को जोड़ेंगे, और पीछे वाला गला में ये 1 मीटर होगा, ये इसको 2 पीस करके पीछे ज्वाइंट कर लेंगे, ऊपर से लगभग 3-3 इंच छोड़ के, या हो सकता है इसमें कपड़ा से डिजाइन बनाएंगे। पहले इतना सा कर लेते हैं। चार इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा दो चौकोर टुकड़ा काट के निकालेंगे, और उसी से ऐसे करके डिजाइन बनाएंगे। 2 पीस काट के निकाल। इस तरह का पीस बना लेंगे, और इसमें डोरी को लगा देंगे, इधर से सिलाई चला लेंगे। उसके बाद इसको पीछे वाला गला में ये जो सिलाई वाला रहेगा इसको ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको सिल देंगे। जब ये सिल जाएगा तो रह जाएगा लगभग 2 इंच छोड़ते हुए इसको इस तरह से। जब इसको सिल देंगे तो ये रह जाएगा, और इस पर सिलाई चला देंगे तो ये गला के तरफ से दोनों साइड से 1-1 पीस लग जाएगा, और इसमें फिर डिजाइनर लटकन बना के लगाएंगे या खरीद के लगाएंगे, या इस तरह से इसको देख के निशान लगा के फिर सिल देंगे।
ये दोनों साइड से सिलाई चला दी है। अब चाहे तो अगर आप गला में लेस लगा रहे हैं तो इसमें भी लेस लगा देंगे और अच्छा लगेगा। अब इसको यहाँ से लगा देंगे। दोनों तरफ पिंच टेप से नाप के निशान लगा के ये ऊपर से गला के तरफ ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के लगाएंगे, क्योंकि अभी आधा इंच ये सिलाई में भी जाएगा। और इस तरह से इस पीस में भी निशान लगा लीजिए ताकि सिलने टाइम ठीक रहेगा। अब इसका पहले बाजू काटेंगे, बाजू लगाएंगे और उसके बाद तब ये जैसे सूट का सिलाई होता है नीचे से उसी तरह से सिलाई होगा। और आज बस अब इतना ही हो पाएगा गाइस, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है वो बुला रहा है कपड़ा निकालने के लिए। सूखने डालेंगे फिर जाएंगे खाना बनाने के। थोड़ा सा लंबा और 1-2 इंच बढ़ा के रखते तो और अच्छा होता, थोड़ा सा और लंबाई बढ़ाते, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये तो साड़ी का ब्लाउज का कपड़ा अच्छा निकला, बड़ा निकला, जो कि इस तरह से इतना लंबा कट गया। और इसमें आप बाजू लगाएंगे, प्लेन बाजू ही लगाएंगे सिंपल सा, उसके बाद इसका सिलाई करेंगे। आवाज़ लग रहा है आज इतना ही काम हो पाएगा, और अगर हुआ तो नीचे दूसरे कपड़ा का पट्टी पलट देंगे तो थोड़ा सा इतना लंबाई रह जाएगा, बस इतना ही दबेगा। तो अब चले कपड़ा डालेंगे सूखने, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद मेरा बाबू आ जाएगा, उसके बाद फिर अगर सिल पाए, नहीं भी सिल पाते हैं क्योंकि दोपहर को फिर हो जाते हैं, लेट जाते हैं गाइस। गोभी का सब्जी बनाए के गाई, छोटा छोटा नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा फूल गोभी यहाँ मिलता है। इस तरह से एक एक फूल निकालेंगे और थोड़ा सा बीच में काट देंगे। ये है 2 प्याज छोटा छोटा है, 1 टमाटर है, 2 हरी मिर्ची है, लहसुन है, सबको काट के एक साथ ही पीस लेंगे। और गोभी को अच्छे से धो के नमक हल्दी के पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। और ये सब बचा हुआ है ये सब का अब बनेगा भुजिया बाद में।
फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इसको निकाल लेंगे। अब इस प्याज वाले मसाला में सारा मसाला डालेंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्ची, काली मिर्ची, यही सब सारा मसाला डाल देंगे गाइस। नमक, हल्दी, ये है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा जा सूखी लाल मिर्च। ख़त्म हो गया है गाइस, कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। और ये थोड़ा सा मीट मसाला। अब ये दो सूखी लाल मिर्ची को काट के देंगे, क्योंकि अभी जार तो भींगा हुआ है और बड़ा वाला जार में थोड़ा सा पिसाएगा नहीं, कूट लेंगे इसको। अब इस गोभी में बहुत थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा मिक्स सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेसन, बहुत हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे सरसों तेल। अब इसमें ये गोभी डालेंगे और इसको उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये गोभी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेंगे। ये बन गया आपका गोभी का पकौड़ी।
थोड़ा सा पचफोरन, एक टुकड़ा तेज पत्ता, और ये मिर्ची कुटाया नहीं है गाइस, इसको भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे ये सारा मिक्स किया हुआ मसाला। अब इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें पानी डालेंगे और इस सब्जी में कम पानी डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी फूल गोभी का सब्जी बना है गाइस।